नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूं आपके साथ प्रिय श्रीमान। क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली पर बनेगी बायोपिक। फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। फिल्म में रणबीर कपूर कर सकते हैं दादा का रोल। जल्द ही भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली की जिंदगी पर बेस्ट फिल्म देखने को मिलेगी। इस साल के अंत तक बायोपिक की शूटिंग शुरू हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 मई को प्रोड्यूसर लव रंजन और अंकुर गर्ग सौरभ गांगुली से मिलने कोलकाता गए थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को लेकर सौरभ गांगुली और प्रोड्यूसर्स के बीच डिटेल डिस्कशन हो चुका है। डायरेक्टर ने सौरभ गांगुली से उनकी जिंदगी के सबसे दिलचस्प किस्सों पर डिटेल में बात की है। बायोपिक के लिए जरूरी स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर ली गई है। फिल्म के स्क्रीन प्ले में सौरभ गांगुली की जिंदगी से जुड़ी कई अनसुनी और दिलचस्प कहानियों को शामिल किया गया है। सौरभ गांगुली की जर्नी पर किया गया है फोकस। रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर ने फिल्म में सौरभ की जिंदगी को सिर्फ BCCI प्रेसिडेंट के तौर पर पेश करने की बजाय उनकी पर्सनल लाइफ पर फोकस किया है। उनकी जर्नी को फिल्माने पर जोर दिया गया है। फिल्म के लिए उनकी वाइफ दोना गांगुली का भी वर्जन दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में रणबीर कपूर सौरभ के किरदार में नजर आ सकते हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आयुष्मान खुराना का नाम लीड एक्टर के तौर पर सामने आया है। फिलहाल ये तय नहीं है कि फिल्म में दादा का रोल कौन निभाएगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 19।